हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल एस्थेटिक साइंस। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे हम हॉर्स कार्ट की प्रॉब्लम। हॉर्स, आपको पता है, घोड़े गाड़ी की प्रॉब्लम करते हैं। इसमें हम वन बाय वन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अभी भूल जाओ। सबसे पहले एक कहानी से सुनो। एक हो गया अपने पास हॉर्स। ठीक है, ड्रॉ करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। एक हॉर्स हो गया, ये हमारी हो गई अर्थ की सरफेस, जो ज़मीन है। ठीक, ये हो गई लकड़ी का जो बॉक्स हॉर्स के पीछे रहता है घोड़ागाड़ी में। वो यहाँ से एक रोप है, रस्सी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, आगे हॉर्स है, यहाँ पे कार्ट है और बीच में रस्सी, और यहाँ पे जो घोड़ा गाड़ी है ना, इधर हॉर्स के पैर हैं, टांगे हैं उसकी, और इधर कार्ट के टायर्स, टायर होते हैं ना, तो वो है जो ज़मीन पे लग रहे हैं। दिस इज अवर ग्राउंड। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम। जो है, सबसे पहले हमने केस लेना है हॉर्स का। दिस इज हॉर्स। ठीक है, ये आपको पता ना, ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमारा होता है वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने लेना है हॉर्स। हो गया, हॉर्स ने क्या करना है, ज़मीन पे पैर रख रख के आगे की तरफ जाना है। हॉर्स ने लगाया, ज़मीन पे पैर रखा, तो मतलब वो उसका उसने फोर्स दिया, कोई एक्शन किया हॉर्स ने। ठीक है, ज़मीन ने बदले में क्या किया, एक रिएक्शन दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, पर बिल्कुल इक्वल दिया। ये हो गया हमारा रिएक्शन, ये हो गया रिएक्शन जो इस अर्थ के ऊपर आया, जिस रिएक्शन की वजह से हॉर्स आगे आगे जा पाया। ठीक, ये हॉर्स ने लगा दिया, ये अर्थ ने लगा दिया। अब बच्चे, जो ये अर्थ ने रिएक्शन दिया है, ये हमारी धरती के ऊपर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम रिजॉल्व कर लेंगे टू कंपोनेंट्स में। किसको अपना जो रिजॉल्व करेंगे, किसको ये जो रिएक्शन दिया है ना हॉर्स ने, उसको। ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया इस तरफ को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर? कुछ नहीं है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। किसका? इस रिएक्शन का, जो हॉर्स ने दिया है। हॉर्स को दिया है किसने? अर्थ ने दिया है। ठीक है, ये हॉर्स ने उसको फोर्स दिया था, एक्शन। क्लियर? चलो अब इसे पढ़ते हैं। इन पुलिंग कार्ट, एक लकड़ी की जो गाड़ी को खींचने के लिए, पुल करने के लिए, द हॉर्स एग्जर्ट अ फोर्स। हॉर्स ने एक फोर्स एग्जर्ट की, किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर, धरती के ऊपर, विद इट्स फुट, अपने पैरों के साथ। ठीक है, इन एन इंक्लाइंड डायरेक्शन, ये जो बनाया है उसने, कि एक इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड मतलब वो एंगल बना रही है कोई, इस टाइप का सरफेस। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, एक्शन किया हॉर्स ने। बदले में जब आप एक्शन करोगे तो आपको रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, हॉर्स को भी मिला। द सरफेस या ग्राउंड एग्जर्ट एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन आर ऑन दी हॉर्स। समझ आ गया आप? हॉर्स को भी अर्थ ने रिएक्शन दिया, आर रिएक्शन दिया। ठीक है, विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट। चल अब स्टार्ट करते हैं जो भी केसेस हुए हैं। सबसे पहले हॉर्स का केस करेंगे, हॉर्स के मोशन कैसे कैसे हुई। सबसे पहले आपने लिखना है एफ इज दी फोर्स, या बोल सकते हो एक्शन बाय दी हॉर्स टू दी ग्राउंड। हॉर्स ने दिया किसको? ग्राउंड को। ठीक, ऐसे पॉइंटों में लिखोगे ना, आपको भी याद रहेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। आर इज दी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बाय दी, किसने दिया रिएक्शन? हॉर्स ने, सॉरी, रिएक्शन दिया अर्थ ने या ग्राउंड ने, किसको? हॉर्स को। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट, ये दोनों तो हो गया। अब आपने, आपका ये जो आर जो आया रिएक्शन, ठीक है,
रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया आपका H, ठीक है। इसी का रिएक्शंस वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया? V, क्लियर। H, V, F, R, एवरीथिंग इज क्लियर। अब बच्चे अगर उसने फोर्स दिया, ठीक है, तो फोर्स का कोई ना कोई मास, कोई ना कोई एक्सेलरेशन ज़रूर होगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है। अब बच्चे देखो, मैंने आपको रोप का भी दिया था एग्जांपल, वो क्यों दिया था? वो भी किसी फोर्स की वजह से ही दिया था। अब देखो, हॉर्स जा रहा है आगे आगे, मूव कर रहा है, ठीक है। हॉर्स ने आगे जाना है, और जो उसका रोप है, रोप जब भी आप रोप का टेंशन, रोप का केस आएगा ना कभी भी, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई टेंशन लगेगा। ये हमारे वाला टेंशन नहीं है, ये रोप का टेंशन है। कैसे? हॉर्स ने मूव करना है आगे, तो टेंशन मूव करेगा पीछे। ये टेंशन किसके लिए आया? हॉर्स के लिए। क्यों? हॉर्स आगे जा रहा है, उसकी टेंशन लग रही है पीछे, ठीक है। और कार्ट पीछे पड़ा हुआ है, उसकी टेंशन लगेगी आगे, ठीक है। कार्ट का चलो केस बाद में करते, हॉर्स का समझ आ गया। हॉर्स आगे आगे मूव करेगा, उसकी टेंशन लगेगी पीछे पीछे। चलो अब बच्चे, जहाँ पे एफ आ गया, वहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। और अब देखो अपना यही फिगर, एक तो हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको कौन बैलेंस कर रहा है? हमारा टेंशन। बच्चे ये भी टेंशन भी अपनी किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वो अलग बात है कि टेंशन दूसरी तरफ लग रहा है हॉर्स का, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब बच्चे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था इसका, रिएक्शन का, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? वेट। किसका वेट? हॉर्स का वेट। हॉर्स का वेट लगेगा नीचे, और ऊपर कौन सा आ रहा है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है W इज इक्वल टू एम जी, वेट ऑफ किसका? हॉर्स, बैलेंस्ड बाय, कि कौन बैलेंस कर रहा है उसको? V। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया आपने। V क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब आ गया H। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, ठीक है, ये बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा है किसके अकॉर्डिंग? टेंशन के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है आगे आगे, टेंशन जा रही है पीछे पीछे। बच्चे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आगे है तभी तो वो आगे मूव कर पा रहा है हॉर्स। अगर टेंशन ज़्यादा होता तो हॉर्स ने पीछे पीछे जाना था, मूव ही नहीं कर पाना था, ठीक है। इसीलिए हॉर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा है, इसीलिए वो आगे मूव कर रहा है, टेंशन उसकी कम है। तो एच इज ग्रेटर देन टी, समझ आ गया। एच और टी एक साथ है, वर्टिकल कंपोनेंट और एम जी एक साथ है, जो वेट ऑफ द हॉर्स है। ये मेनली चार फोर्सेस है, ठीक है। अब चलो अपना डेरिवेशन करते हैं। अब बच्चे हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको पता है होता है, ठीक है। बच्चे फोर्स यहाँ पे कौन सी लग रही है? हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जो रिएक्शन का, वो बड़ा है इसीलिए उसको पहले रखना है। टेंशन छोटी है इसीलिए उसको बाद में रखना है। अगर टेंशन बड़ी होती तो हॉर्स मूव ही नहीं कर पाता, क्लियर। इतना ये आपने शो नहीं करना, ये अपने दिमाग में रखना है। शो करना है तो कर भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो एम ए हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हॉर्स का बड़ा है इसलिए हॉर्स के मास को बड़े एम से डिनोट कर दो, कार्ट के मास को छोटे एम से डिनोट कर दो। मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। ये अपनी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, विच इज मोशन ऑफ हॉर्स। सेकंड है मोशन ऑफ कार्ट, ठीक। मोशन ऑफ कार्ट में क्या होगा बच्चे? अब देखो ये हॉर्स का हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं हम कार्ट का। इसमें ज़्यादा फोर्सेस नहीं लगेंगी, एक फोर्स लगेगी इन टायर्स और इस ग्राउंड के बीच में, विच इज़ अवर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब हो गया अपोज करना मोशन को। यहाँ पे रगड़ खा रही है कौन? टायर्स धरती के साथ, ये फ्रिक्शन हो गई। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसका टेंशन बच्चे कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। किसका टेंशन? इस कार्ट का, क्योंकि हॉर्स का पीछे जा रहा था, इसका आगे की तरफ जाएगा, ठीक है।
क्यों आगे जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन इसको पीछे पहले ही खींच रही है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका भी बच्चे कोई ना कोई मास तो है ना कार्ट का, तो वो भी जाएगा नीचे, वेट इसका नीचे जाएगा, जैसे हॉर्स का जा रहा था, वेट नीचे जाएगा। ये हो गया उसका आर डैश, विच इज द रिएक्शन। ठीक है, किसका रिएक्शन? इस वेट का रिएक्शन जा रहा है ऊपर, ऑपोजिट रिएक्शन। तो चलो अब मोशन ऑफ कार्ट करते हैं। इसमें है एम जी वेट बैलेंस्ड बाय व्हाट? बैलेंस्ड बाय ये वाला रिएक्शन। क्यों? ड्यू टू दी ग्राउंड। अगर बच्चे वेट नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने आपको थर्ड लॉ में बताया था एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर उसका वेट नीचे आ रहा है कार्ट का, तो धरती भी तो कुछ ना कुछ उसे देगी रिएक्शन में। धरती ने फिर रिएक्शन दे दिया ग्राउंड ने, हो गया बैलेंस। चलो अब दूसरा केस, हमेशा एक एक तो हो जाएगा अपना वर्टिकल वर्टिकल वाला, जो ये वेट और रिएक्शन ने कर दिया। दूसरा अपना हॉरिजॉन्टल वाला केस भी आएगा ना, उसमें हॉरिजॉन्टल वाले केस में क्या होगा? एक हमारी टेंशन लग रही है आगे की तरफ। बच्चे पता, इसमें ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बदलती हैं। जैसे हमने हॉर्स लिया, हॉर्स का वेट ज़्यादा था, हॉरिजॉन्टल आगे आगे वो जा रहा था, उसका टेंशन कम हो गया। ठीक है, अब बॉक्स के लिए क्या होगा? उसका टेंशन ज़्यादा होगा। अगर इसका टेंशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो वो आगे कैसे मूव करेगा? टेंशन ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स उसकी कम हो गई, तो इसी वजह से टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जैसे ये इक्वेशन बनी थी ना, यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनेगी वैसे ही वाली, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली। तो यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है? ये वाली फोर्स। तो टी बड़ा है, टी पहले लिखना है, फ्रिक्शन फोर्स छोटी है इसलिए उसको बाद में लिखना है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लिया। एम मैंने स्मॉल क्यों लिया? कार्ट छोटा था इसीलिए उसका एम स्मॉल आ गया, हॉर्स का वेट ज़्यादा था इसीलिए हॉर्स एम कैपिटल आया था। इतना क्लियर? ये आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब बच्चे आपने क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये, दिस इज़ फ्रॉम हॉर्स प्रॉब्लम, दिस इज़ फ्रॉम कार्ट प्रॉब्लम। हमारा फुल क्या है डेरिवेशन? हॉर्स एंड कार्ट का प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ एंड राइट साइड को राइट साइड के साथ। तो एडिंग वन एंड टू इक्वेशन वी विल गेट एच माइनस टी प्लस टी माइनस एफ, ऐड कर लिया, इज इक्वल टू एम ए प्लस स्मॉल एम एंड ए। अब बच्चे ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, रह गया एच माइनस एफ, यहाँ पे ए कॉमन आ गया, एम प्लस एम। ठीक है, अब बच्चे इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या बचेगा? ये इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। कौन ये? ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, तो इससे आपकी एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगी। लास्ट में आप पता क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि एक टेंशन लगा था हमारा ये कार्ट की वजह से फ्रंट की डायरेक्शन में, तभी वो आगे आगे मूव कर रहा था, एक टेंशन लगा अपना पीछे की डायरेक्शन में हॉर्स की वजह से। अब ये आगे पीछे कौन लग रही है? टेंशन टेंशन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, पर है तो ये इक्वल, इसीलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ये तो थियोरेटिकली आ गया, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो कट हो गया सिंपल। इस वाली इक्वेशन में कहीं भी टेंशन नहीं आया, तो आपने बोलना है होल सिस्टम को जब आप लोगे, बोथ ऑफ द टेंशन कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स रह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका बड़ा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन। बच्चे फ्रिक्शन बहुत कम हो गई, क्यों? फ्रिक्शन फ्रिक्शन का काम होता है किसी चीज़ को रोकना। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती तो वो जो हॉर्स है वो कभी भी मूव नहीं कर पाता, इसीलिए जो फोर्स है हॉर्स का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।